नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। हर बार निःशुल्क प्रवेश होने वाले अयोध्या महोत्सव में इस बार लिया जा रहा है शुल्क। अयोध्या महोत्सव में प्रवेश टिकट खरीदने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। अयोध्या महोत्सव में ली जा रही एंट्री फीस बिना टिकट लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर। ड्रीमलैंड के नाम से 20 रुपए का टिकट लग रहा है। आपको बताते चले कि अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और अयोध्या में लाखों लोग अयोध्या महोत्सव में आ रहे हैं। वहाँ आ रही जनता ने टिकट का विरोध किया। महोत्सव में आ रहे कुछ लोगों ने बताया, इससे पहले हम अयोध्या महोत्सव देखने आए थे तब तो कोई फीस नहीं लगी थी। यही नहीं, महोत्सव में लगी दुकानों से हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। अयोध्या महोत्सव के आयोजक हरीश श्रीवास्तव ने इस मामले से उनसे बात करनी चाहिए तो हरीश श्रीवास्तव ने बात करने से इनकार कर दिया। इंडिया समाचार से राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। टिकट नहीं था, अब की टिकट लगा हमने सोचा था टिकट नहीं लगेगा, इधर आके पता पड़ा टिकट लगा हुआ। पहली बार लग रहा है? हाँ, पहली बार। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, अगली बार तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों लग रहा है टिकट। अगली बार तो गरीबों के लिए टिकट, गरीब आ नहीं सकते है, देख नहीं सकते, गरीब नहीं देख सकते, जिसके पास पैसा वही आ सकता है, वही आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। सो हे गाइस, ये देखिए, आज हम लोग ये अयोध्या महोत्सव घूमने आए थे बट फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे 20 रुपए का ये टिकट लिया जा रहा है। भाई अभी हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं लेकिन अभी जो हमसे गरीब होंगे क्या वो ये टिकट मतलब कि खरीद पाएंगे क्या? ऐसे तो हज़ारों लोग आ जा रहे हैं लेकिन क्या ये तो शुल्क लेना भाई गलत हो गया है, क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ नहीं था। अब अयोध्या का इतना स्कोप बढ़ गया है पूरे मतलब विश्व में, लेकिन अब इसके मतलब हिसाब से तो भाई अब टिकट नहीं लेना चाहिए अयोध्या के नाम पर। लेकिन यहाँ पर अब की इस बार तो टिकट लग रहा है भाई, जैसे यहाँ राम मंदिर बन रहा है भाई तो उस हिसाब से सब कुछ फ्री करना चाहिए था। महोत्सव का मतलब और क्या हो गया अब अयोध्या के नाम पे अयोध्या महोत्सव में पहला तो टिकट की एंट्री, फिर उसके बाद उसको चेक भी करवाइए।